See the sutra of Charak Sutrasthan 18 chapter, that is Trishuthi Adhyay. This Adhyay is very much important regarding the concept of different samprapti. Likewise, Udara, Visarpa, Gulma, Adhmana, etc. If you never study Trishuthi Adhyay, we cannot define the Sampraptis. Trishuthi Adhyay is a unique chapter of Advaita, of Charak Samhita. So, Trishuthi Adhyay, 18th chapter. इस अध्याय में पहले शोध का सामान्य वर्णन किया है, निज शोध, आगंतु शोध, उसके हेतु, फिर उसके स्वरूप, और वो सब वर्णन हो जाने के बाद में जो दूसरा पेज है, पेज नंबर बताइए आपके शोध में, 107, इस पेज पे सेकंड कॉलम में जो एक के बाद एक सूत्र है आफ्टर 19 से लेके 34 तक, इसके ऊपर लिख दीजिए एकदेशीय शोध। टीकाकारों ने कहा है उसको टीका में पहली लाइन में पढ़िए, पिछले पेज पे टीका है, संप्रति उत्सेद सामान्य प्रादेशिकान शोधान आ। प्रादेशिक मतलब पहले शोध का सामान्य वर्णन किया, शरीर में कहाँ कहाँ है, और फिर शरीर के किसी एक अवयव में, एक अंग में, एक भाग में, एक सूक्ष्म में होने वाले शोधों की व्याख्या की, इसको प्रादेशिक शोध, एकदेशीय शोध, ऐसी संज्ञा मिलती है, दी जाती है। तो उसमें सूत्र नंबर 29 आप में से कोई पढ़िए, माइक जिनके पास है, माइक नीचे ही है तो ऊपर, मेरी आवाज आ रही है, 29। गुल्म की व्याख्या निदान स्थान में नहीं, चिकित्सा में भी नहीं है, वो व्याख्या यहाँ है। अधिकरण शोध का है, उसमें गुल्म की व्याख्या है, इसका मतलब क्या है? गुल्म ये एक प्रादेशिक शोध, तो पहले लिख लीजिए गुल्म इज अ प्रादेशिक शोध, इट इज अ टाइप ऑफ शोध। उसमें कौन कौन है वो एक बार पहले देख लेते, तभी उस व्याप्ति समझ में आएगी। देखिए 19 में उपजीविका, 20 में गलशुंडिका, 21 में गलगंड, 22 में गलग्रह, 23 में विसर्प, 28 में पीड़का, 25 पीतिलका पिक्लु व्यंग नीलिका, 26 दारुण, 27 कर्णमूल रेशोथ, 28 क्लिहा, 29 गुल्म, 30 वृद्धि, 31 उदर, 32 आनाह। इस तरीके से ये सारे एकदेशीय शोध है, इसमें गुल्म का समावेश है, इसका मतलब गुल्म ये एक प्रादेशिक शोध, शरीर में कहीं एक जगह या फिर किसी एक स्रोत में या फिर किसी एक अवयव में होने वाला शोध, इसको गुल्म कहें। ये एकदम बेसिक हमने डिराइव किया, ऊहन कर दिया। इस सूत्र में तीन घटक है जो गुल्म संज्ञा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जब तक ये नहीं होगा
तब तक उसको गुल्म यह संज्ञा नहीं दी जाएगी। क्या क्या है? यस्य वायुः प्रकोपितः, मतलब पहला घटक क्या है गुल्म होने के लिए? वात प्रकोप होना आवश्यक है। अभी वात प्रकोप क्या है? वृक्षादि गुणों की निर्मिति, संग, आप्यायन, उदीर, इसको वात प्रकोप है, यह स्वतंत्र वात प्रकोप। इसके बाद गुल्मस्थाने अवतिष्ठते, वात प्रकोप कहां हो रहा है? गुल्मस्थान में हो रहा है। गुल्मस्थान में वात प्रकोप हो रहा है, इसका मतलब क्या है? गुल्मस्थान जो है उसके स्रोतसों में पहले वृक्षादि गुणों की निर्मिति हो जाएगी, फिर वहां से वायमान धातु घटकों का संग हो जाएगा, फिर उनका अप्यायन हो जाएगा और फिर उदीरण हो जाएगा। इसको कहेंगे गुल्मस्थान में वात प्रकोप होता है। आपको क्या लगता है गुल्मस्थान क्या है? और कुछ? और कुछ? कुछ तो फाइव स्थान बताए। क्या क्या मैडम बोल रही है वो सही है, पर उसका संदर्भ में बात करो। पर हमें ऐसे एकदम बीएमएस स्टूडेंट, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, गुल्मस्थान क्या पता है? हृदय, नाभस्थि, नाभि, पार्श्व और इसको कहें, इसको गुल्मस्थान कहें, ठीक। पर यहां पे गुल्मस्थाने ये विभक्ति, गुल्मस्थाने ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन, गुल्मस्थाने शु नहीं कहा है। अगर बहुवचन होता, पांच स्थान होते तो वो बहुवचन करके गुल्मस्थानेषु अवतिष्ठते करते, पर यहां पे गुल्मस्थाने कहां है इसका मतलब एक ही स्थान, ठीक है। वो क्या है वो यहां पता है नहीं, तो देखेंगे। पर मन में सवाल रखिए कि गुल्मस्थान क्या है। पर गुल्मस्थान में वात प्रकोप होना आवश्यक। और तीसरा शोफम सशूलम, शूल के साथ शोथ, ये उसका प्रत्यात्म नियत लक्षण है। कहां पे? गुल्मस्थान में वात प्रकोप होने के बाद जो शूल के साथ शोथ होता है उसको गुल्म कहते हैं। तो ये पहली व्याख्या में हमने कर दिया कि गुल्म ये वायु क्या पिंडाकार नहीं है। गुल्मस्थान में वात प्रकोप होने के वजह से एक प्रकार का शोथ उत्पन्न होता है, उसको गुल्म कहेंगे, ग्रंथ का उसको गुल्म कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया? कुछ सवाल है यहां तक? अगर हो तो सवाल तो पूछिए। यहां तक अगर कुछ सवाल है आपको या कुछ समझ में नहीं आया है तभी हम आगे हैं। हमें क्या क्या पता चला? गुल्म ये प्रादेशिक शोथ है। प्रादेशिक मतलब क्या हो रहा है? गुल्मस्थान में शोथ हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? वात प्रकोप के वजह से हो रहा है। यहां तक समझ में? अभी हम गुल्म निदान स्थान अध्याय तीन, सूत्र क्रमांक 16, क्या है पहली बार? सर्वेषु अपि खलु एतेषु गुल्मेषु न कश्चित वाता ऋते संभवति गुल्मः।
रुते का अर्थ है बगैर, विदाउट, नॉट विदाउट, इसको कहते रुते। वायु के बगैर गुल्म नहीं हो, वायु ये अत्यंत आवश्यक है। यहां आइए, आगे आगे आके बैठिए, प्लीज कम हियर, आप भी आइए अगर धूप लग रही है, लास्ट नहीं गुलम हो जाएगा नहीं तो। चलो अभी हम गुलमदार पहले अध्याय से पढ़ेंगे। इह खलु पंचगुल्मा भवन्ति तद्यथा वातगुल्मः पित्तगुल्मः श्लेष्मगुल्मः नीचयगुल्मः शमतगुल्मः। पांच प्रकार है। नीचय मतलब सामनिपातिक, इसका वर्णन अभी हम करेंगे। सूत्र छह हमारा हमने देख लिया है, स्वतंत्र दोष प्रकोप के वक्त। फिर भी सूत्र एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़िए छह नंबर, आपको पढ़ना है एक एक करके पढ़े, सबको पढ़ना मिले आगे, पढ़िए पढ़िए आप पढ़े सूत्र पढ़िए। यदा पुरुषो वातरो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराण अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो वातरम आहारम आहरति शीतं वा विशेषेण अतिमात्रम अस्नेह पूर्वे वा वमन विरेचने पिबति अनुदीर्णां वा चर्दिम उदीरयति उदीर्णां वातमूत्र पुरीषवेगा निरुणद्धि अत्यसितो वा विभति नवोदकम् अतिमात्रम् अतिसंशोभिना वा यानेन याति अतिव्यवाय व्यायाम मध्यशोक रुचिर्वा अभिघातं मृच्छति वा विषमासन शयन स्थान चंक्रमण सेवी वा भवति अन्यद्वा किञ्चिदेवं विधं विषम अतिमात्रम् व्यायाम जातम् आरभते तस्य अपचारा द्वातः प्रकोपम् आपद्यते। सब सूत्र सब समझ में आए? एक भी पद अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं बताऊं, एक भी पद अगर सब सबको ही समझना चाहिए, इसका अभिप्रेत अर्थ क्या है? इन हेतुओं से वात प्रकोप हो रहा है। ये हेतु वात प्रकोप के हैं, वात गुल्म के नहीं है। और ये सब हेतु कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। अभी हम क्या करेंगे, गुल्म के लिए एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे और ये चार्ट हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। ये चार्ट के बाद हम गुल्म कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा अनुभव है। तो चार कॉलम और चार रोज, फोर कॉलम एंड फोर रोज। पहला कॉलम गुल्म नाम, पहला कॉलम का पहले इसमें लाल लिख दीजिए गुल्म नाम। नेक्स्ट कॉलम वायु, हेडिंग दे रहे हैं हम पहले रो में। दूसरे कॉलम में पित्त, तीसरे कॉलम में कफ। अभी नाम देंगे एक एक। वातक पहले कॉलम में, दूसरी रो के पहला जो ये है वातज गुल्म, वातज गुल्म, उसके नीचे पित्तज गुल्म, श्लेष्मज गुल्म, संधिपातिक गुल्म। एक एक नीचे नीचे गुल्म नाम के नीचे वो जो कॉलम है, पहला पहली रो दूसरी रो में वात गुल्म, तीसरी रो में पित्त गुल्म, चौथी रो में श्लेष्म गुल्म, और एक लगाना पड़ेगी रो, सॉरी संधिपातिक, पांच रो में संधिपातिक गुल्म। अभी इस हेतु से हमें क्या पता चला कि वात गुल्म में वात प्रकोप कैसा है? स्वतंत्र है। तो वात गुल्म के सामने वायु के कॉलम में लिख लीजिए स्वतंत्र।
लिख लिए पित्त कफ क्या है देखेंगे, पहले एक एक करके जाएंगे। आगे सूत्र नंबर 7 अभी मैं पढ़ता हूं क्योंकि यह सूत्र संप्राप्ति का है। सप्रकृपिता वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य रोक्षात कठिनीभूतम आपृत्य पिंडितः अवस्थानम करोति हृदय वस्तव पार्श्वयोः नाभ्यां वा सशूलम उपजनयति ग्रंथिश्च अनेक विधान पिंडितः च अवतिष्ठते सपिंडितत्वात् गुल्म इति अभिधीयते। सूत्र पढ़ा हमें, अब एक एक शब्द की तरफ ध्यान देंगे। स वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य प्रकुपिता ऐसा अनुभव है। स वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य इसका मतलब क्या आप बताइए मुझे। महास्रोतस में वात प्रकोप हो रहा है इसका मतलब क्या है। महास्रोत कहां से कहा है महास्रोतस, मुख से लेके बुद तक। तो मुख से लेके बुद तक जितना महास्रोतस है वहां पे किसी एक जगह या दो जगह या तीन जगह या पूरे महास्रोतस में वायु इन हेतु रुक्षादि हेतुओं की वजह से स्रोतस में रुक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मित होगी। फिर उस स्रोतस से जो वाह्यमान धातु घटक है वो धातु घटक वहां पे रुक जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनका अपव्यय हो जाएगा और फिर इतना अपव्यय होगा कि पीछे से आने वाला जो प्रवाह है उसका विमार्ग गमन हो जाएगा। तो रुक्षादि गुणों से कठिन कौन हो रहा है, महास्रोतस हो रहा है। अन्वय ऐसा है उसका, स वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य प्रकुपितः रोक्षात कठिनीभूतम आपृत्य। इसकी टीका नीचे देखिए, रोक्षात कठिनीभूतम इति महास्रोतो विशेषणम्। रुक्षता से कठिन हो रहा है ये महास्रोतस के लिए कहा गया है। तो पिंडाकार किसको आ रहा है, जिस जगह पे गुल्म की संप्राप्ति हो रही है महास्रोतस में वहां पे काठिन्य पिंडाकारत्व या रफनेस पहले आएगा। वायु का पिंडाकार नहीं, वायु का गोला ऐसा नहीं, या वायु पिंडाकार होके शरीर उदर में घूम रहा है ये गुल्म नहीं है। कठिन कौन हो रहा है, महास्रोतस। वात प्रकोप कहां हो रहा है, महास्रोतस में। इसका मतलब गुल्म स्थान क्या है, एक ही स्थान है इसलिए गुल्म स्थान है। तो मुख से लेके गुद तक महास्रोतस में कहीं पे भी अगर अति रुक्ष आदि गुणों से अतिरिक्त मात्रा में रुक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मित हो जाएगी, वहां से जो वाह्यमान धातु घटक है वो वहां पे रुक जाएंगे, उनका अप्यायन होगा और फिर उस जहां पे ये संप्राप्ति हो गई वहां का जो महास्रोतस का जो पार्ट है वो कठिन हो जाएगा रुक्षता से और शोथ आ जाएगा, उसको गुल्म, उसको वातज गुल्म कहेंगे। संशय है मन में, थोड़े होंगे, मैं फिर से वाक्य कहता हूं। रुक्षादि गुणों के अतिरिक्त हेतुओं के कारण महास्रोतस में किसी एक जगह या बहवा जगह स्रोतस रुक्षादि गुणों से युक्त हो जाएगा, वहां पे जो वाह्यमान धातु घटक है वो रुक जाएंगे, धीरे धीरे उनका अपव्यय होगा, स्रोतस को काठिन्य हो जाएगा, रफ हो जाएगा स्रोतस और फिर जो शोथ आएगा उस जगह उसे वातज गुल्म कहते हैं। कठिन नहीं है, काठिन्य से क्या हो जाएगा, इट्स इट उत्सेद सामान्य जो नॉर्मल है उसमें उत्सेद आ गया। जो उदाहरण हम दे रहे हैं वो फिर से देता हूं, नदी का प्रवाह है, हमने डैम तैयार किया तो क्या होता है, जो प्रवाह पीछे से आ रहा है
वो जगह जहां जगह मिलती है वहां जाता है, तो पीछे शोथ उत्पन्न हो गए, वृद्धि हो गई, और आगे शोष उत्पन्न हो गए। तो ये जो शोथ है पानी का, समझ में आया? और ये कौन जा रहा है उल्टा? जो वायवान धातु घटक है उसके परमाणु जाके शोध कर रहे हैं। स्रोतस कठिन हो गया, रुकने वाले कौन है? वायवान धातु घटक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कठिनी भूतम अप्लुत्य, अप्लुत्य का अर्थ है व्याप्त, टीका है नीचे व्याप्त, वो शोध अभी व्याप्त हो गया, एक जगह शोध आ गया वो व्याप्त हो गया, बड़ा हो गया शोध कालांतर से, उदीर्ण हो गया ना, तो व्याप्त हो गया, इसको कहते हैं अप्लुत्य। हर एक पद को अर्थ है, संप्राप्ति। और पिंडिता अवस्थानम, फिर उसको पिंडा शोध को पिंडाकार आएगा। और क्या होता है देखिए, करोति रुधि बस्ति पार्श्वयोः नाभ्यां वा स शूलम उपजनति। यहां पे स ये गुल्म के लिए, ठीक है, और बीच में वा के बाद एक कॉमा और अपर ये है, क्या कहते हैं उसको, अर्धविराम, संस्कृत में कॉमा या सेमी कॉमा नहीं रहता, संस्कृत में ये है ही नहीं, ये जिन्होंने संपादन किया है उन्होंने अपनी बुद्धि से डाला है यहाँ यहाँ। अगर आप पूरा श्लोक पढ़ते समय वो कॉमा और सेमी कॉमा निकाल दीजिए, उसको ऐसे क्रॉस कर के रखिए, और वो सूत्र भी फिर से पढ़िए, क्या है, रुधि बस्तौ पार्श्वयोः नाभ्यां वा शूलम उपजनयति। महाश्रुतस में जो शोथ उत्पन्न हो रहा है उससे शूल कहां कहां उत्पन्न होगा, हृदय, नाभि, बस्ति, पार्श्वयोः। ये शूल के स्थान है, गुल्म के स्थान नहीं है। और हृदय का अर्थ हार्ट ऐसा नहीं है। एक बार कोयम्बतूर में सेमिनार चल रहा था हृदय रुद्र विकार के ऊपर, 2008 की बातें हैं, और हम भी एमडी में थे, जस्ट एडमिशन ली थी एमडी में, हम भी गए थे, और हमारे एक बड़े वैद्य महाराष्ट्र के, उनका लेक्चर था, उन्होंने शुरू कर दिया, करीब 700-800 लोग थे, एबीपी का सेमिनार था, तो रुद्र के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया अपना लेक्चर, और एनाटॉमी शुरू कर दी रुद्र, ये तो आपको पता है मतलब जनरल पेपर प्रेजेंटेशन कैसे रहते हैं, ऊपर है नाम रुद्रोग, हार्ट की एनाटॉमी शुरू कर दी। तो एक इटली में आयुर्वेद के प्रैक्टिस करने वाली एक लेडी थी वहां पे बैठी, वो जामनगर में एमडी आयुर्वेद होके अभी इटली में प्रैक्टिस कर रही है, वो खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मैंने पहले इटली में एमबीबीएस किया है, उसके बाद में मैं यहाँ पे एमडी करके अभी इटली प्रैक्टिस करती हूँ, वी नो अबाउट हार्ट मोर देन यू आयुर्वेदिक पीपल, आई वॉन्ट टू हियर अबाउट हृदय, प्लीज डोंट टेल मी अबाउट हार्ट, प्लीज टेल मी अबाउट वॉट इज हृदय इन आयुर्वेद, प्लीज स्टॉप दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन। ग्रंथ में हृदय ये पद, हार्ट और लेफ्ट लंग दोनों को मिलकर कई स्थानों पे किया गया, और कई जगह पे हृदय इस पद से पूरा उरस्थान लेना है, हृदय प्रदेश में वेदना है, मैं तो हार्ट में वेदना नहीं, उरस्थान में वेदना है, प्राणावस उसका मूल स्थान क्या है, हृदय, उरस्थान, हार्ट नहीं, लंग्स भी है उसमें, ये हृदय। आपको अगर एनाटॉमी आयुर्वेदिक रचना अच्छी तरीके से अगर पढ़नी है
तो वैद्यनाथ प्रकाशन से पारिषद्यम शारीरम नाम की किताब पब्लिश की, अभी वो बहुत कम मिलती है। पारिषद्यम शारीरम सन 1923 में बनारस में काशी में उस वक्त के सारे गणमान्य आयुर्वेद जो व्यक्ति थे पूरे भारतवर्ष में, ये शारीर परिषद के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ पे बैठ के, उनके नाम भी हैं, करीब 150-150 आयुर्वेदिक वैद्य हैं पूरे भारतवर्ष में से 1923 100 साल पहले, मुझे उससे 100 साल पहले का गाना है, परिषद है उसमें। ये परिषद में शारीर विषयों का बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास हुआ है, तो उसमें आप ये हृदय जगन इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो हृदय पद से क्या लेना है हमें, यहां पे अधिकरण से उरस्थान लेना है। अगर महाश्रुतस जो उरस्थान में महाश्रुतस है, मतलब इसोफेगस और फैरिंग्स और मुख, यहां पे अगर गुल्म उत्पन्न हो रहा है, शोथ उत्पन्न हो रहा है, तो वेदना कहां पे होगी, उरस्थान में होगी। रुग्ण हमारे पास क्या लेके आएगा, मुझे कहां दर्द हो रहा है, पेन में, चेस्ट में पेन हो रहा है। अगर नाभि प्रदेश मतलब जो उधर के 9 क्वाड्रेंट्स है उसमें से मिडल क्वाड्रेंट अम्बाइलिकल क्वाड्रेंट जो है उस जगह उसमें अगर शोर, पेशेंट कैसे कहेगा मुझे अम्बाइलिकल रीजन में शोर है, पेन है और वहां पे स्वेलिंग है। पार्श्वायु हो मतलब अपर मिडल और लोअर जो क्वाड्रेंट है वहां पे शूल और शोथ है, कुछ नाम बता सकते हो, क्लासिकल पेन, एपेंडिसाइटिस, आइटिस शोथ है, महाश्रुतस में होता है, गुल्म है। बस्ती प्रदेश मतलब लोअर मिडल क्वाड्रेंट, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं अभी, हाँ हाइपोगैस्ट्रिक, वहां पे शूल है, ऐसा रुग्णा करके आएगा, रुग्णा कहेगा मुझे यहां शूल है, बस्ती प्रदेश में शूल है। गुल्म कहां है, महाश्रोतस, ये शूल के स्थान है, हृदय पार्श्वयोः बस्ती नाभि और पांच सारे यहां पे सशूलम उपजनयते, बीच का वो सेमी कॉमा निकाल दीजिए। गुल्म महाश्रुतस में जब गुल्म उत्पन्न हो जाएगा तो उस गुल्म के कारण इस पांच स्थानों में कहीं पे तो शूल की अभिव्यक्ति हो जाएगी। और रुग्ण हमें यह बताया कि मुझे इस प्रदेश में शूल हो रहा है, हमारे मन में निदान करते वक्त या रोग तय करते वक्त ऐसा आना चाहिए कि कहीं ये गुल्म का जो संपर्क, गुल्म की संपर्क नहीं, डिफरेंशियलाइसिस में एक वो आना चाहिए और फिर हेतु और दोषों का विचार करके हम निदान पे आ सकते हैं। फिर उसके लक्षण दिए हैं, सपिंडितत्वात् गुल्म इति उच्यते, जैसे गुल्म मतलब जो वनस्पति का प्रकार है, वनस्पति वानस्पत्य विरुद्ध शुप गुल्म, तो गुल्म मतलब क्या है, जो कर्मर्द का वृक्ष आपने देखा है, करवन कर्मर्द छोटा शुप रहता है उसको गुल्म कहते हैं, वो उसके अंदर हम जा नहीं सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसकी डालियां एक दूसरे में अटकी हुई रहती है, जैसे वो था ऐसा, हाँ उसी तरीके से पिंडाकार उसको आता है, महाश्रुतस को पिंडाकार तो आता है, काठिन्य आता है, इसलिए उसको गुल्मय संज्ञा दी गई है। फिर उसके लक्षण दिए हैं, स मुहु आधमति, मुहु अल्पत्वम अपद्यते, अभी ये वातस गुल्मय के लक्षण है, एक बार पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, अनियत विपुल अणुवेदन भवति चलत्वात् वायुः मुहु पिपीलिका संप्रचार इवांगेषु, आई थिंक अर्थ आपको समझ में आ रहा है, जैसे पिपीलिका चल रही है ऐसा उसको अंदर फीलिंग होता है, तोद भेद स्फुरण आयाम संकोच सुक्ति
हर्ष प्रलय उदय बहुला, ये लक्षण बाद में फिर से पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ सूत्र पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा आगे जाना है। तदा आतुरहा सूची एव शंकुना एव च अभिसंविद्धम आत्मना मन्यते। रुग्णों को ऐसा लगता है कि कोई मुझे सूची से अंदर से भेदन कर रहा है या शंकु से भेदन कर रहा है, चुभ रहा है अंदर से, ऐसा उसको लगता है। अपि च दिवसांते ज्वर्यते, दिवस के जो दिन है उसके अंतिम काल में ज्वरन उत्पन्न हो जाता है। शुष्यति च आस्यम मुखश्रोताय, उच्छ्वासस्य उपरदुदे, उस गुल्म के कारण उच्छ्वास के लिए अवरोध उत्पन्न हो जाता है। रुष्यति च अस्य रोमाणी वेदनायः प्रादुर्भावः, प्लीहा अटोप आंत्रकूजन अविपाक उदावर्त अंगमर्द मन्या शिर शंख शूल ब्रद्न रोगा च एनम उपद्रवंती। और अगर यहाँ पे उसकी चिकित्सा नहीं की गई तो धीरे धीरे ये जो शोथ जहाँ पे उत्पन्न हुआ है ये फैलेगा और कई प्रकार के उपद्रव निर्माण हो जाएंगे। और फिर कृष्ण अरुण परुष त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरुष, ये लक्षण वात है प्रधान स्वतंत्र है, इसके कारण ये लक्षण निर्माण हो जाएंगे। निदानोक्तानि च अस्य उपशेरते न उपशेरते, विपरीतानि च उपशेरते इति वातगुल्म। जो हेतु है वो अगर कंटिन्यू रहेंगे तो गुल्म की संप्राप्ति बढ़ती जाएगी, और गुल्म के जो हेतु है वातगुल्म के, स्वतंत्र वातगुल्म के, ये हेतु अगर बंद कर दिए और उसके विपरीत अगर सेवन करता गया रुग्ण, तो धीरे धीरे क्षीणमान अवयव इस पद्धति से वो गुल्म का जो काठिन्य है वो धीरे 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 उसका उपशय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सिर्फ अभी तक वातगुल्म से पढ़ा है, अभी हम आगे जाएंगे। सूत्र नंबर 8, तैहि एव तु कर्षणैहि कर्षितस्य, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसका अर्थ क्या है? तैहि एव मतलब जो सूत्र नंबर 6 में वायु के हेतु है, इन हेतुओं के कारण रुग्ण पहले से ही कर्षित है, मतलब वायु के स्वतंत्र प्रकोप के कारण है, और उसके साथ अगर वो रुग्ण अम्ल लवण कटु क्षार उष्ण तीक्ष्ण सुप्त व्यापन्न मद्य हरितक फल अम्लानाम विदाहिनाम शाकधान्य मांसादीनाम उपयोगात अजीर्ण अध्यशन रौक्षानुगते च आमाशये वमनम अतिवेलम संधारणम वातातपो च अतिसेवमानस्य पित्तम सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते। वायु के हेतु स्वतंत्र है, पित्त के भी हेतु स्वतंत्र है। आपके सामने जो हमने चार्ट किया है उसमें पित्तज गुल्म के सामने लिखिए वात के कॉलम में स्वतंत्र और पित्त के कॉलम में भी स्वतंत्र। ठीक है, दो दोष उनकी विकृति उत्पन्न हो रही है, दिखाई दे रही है, और दोनों के अगर हेतु स्वतंत्र है तो उसको क्या कहते हैं? संसर्ग। यह संसर्ग का उदाहरण। आगे चलते हैं। तत्प्रकुपितम मारुतम आमाशय एक देशे संवर्त्य, मतलब आमाशय में किसी एक देश में, मतलब एक जगह पे, आमाशय मतलब महासोतस, संवर्त्य वही संप्राप्ति करता है, मतलब रुक्षादि गुणों से युक्त होता है श्रुतस, वाह्यमान धातु घटक संग होता है। पहले मैं प्राइमरी बताता हूं। वही प्रकार तान एवं वेदना प्रकारान जनयति यह उक्ता वातगुल्मे। वातगुल्म के सारे जो लक्षण है, सारी संप्राप्ति है, वो तो होगी ही, उसके साथ में पित्तम तु एनम विदहति। इसका अर्थ अभिप्राय क्या करना है हमें? श्रोतस रुक्षादि गुणों से युक्त हो गया और अपने हेतुओं से पित्त प्रकोपित है, ऐसे स्वतंत्र प्रकोपित पित्त के परमाणु अगर वहां पे जाके रुक रहे हैं
उनका संग हो रहा है, उनका अप्यायन हो रहा है और काठिन्य आ रहा है, तो उसको पित्त गुल्म कहते हैं। कुछ सवाल है मन में, मैं समझ सकता हूं। पूरा संप्राप्त पूरी संप्राप्ति होने के बाद ये प्रश्न नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैंने अनुभव किया है इसका। मैं फिर से बताता हूं, वायु अपने गुणों से प्रकोपित है, अपने हेतु से प्रकोपित है, उसके कारण महास्रोतस किसी एक देश में वृक्षादि गुणों से अतिरिक्त युक्त है और वहां पे स्वहेतु से प्रकोपित हुआ पित्त के परमाणु संग हो रहे हैं, उनका लॉजिंग हो रहा है और उनके कारण स्रोतस को काठिन्य आ रहा है और शोध उत्पत्ति हो रही है, तो उसको पित्त गुल्म कहें, क्योंकि रुकने वाला जो पित्त है वो स्वतंत्र है। यहां तक समझे सूत्र? हाँ रिपीट, ओके। स्व हेतु से वात प्रकोप है, उस वात प्रकोप कहां हो रहा है? वात प्रकोप महासोतस में, पहली अवस्था में वृक्षादि गुणों की निर्मिति हो जाएगी, स्रोतस वृक्षादि गुणों से अतिरिक्त युक्त हो जाएगा, उसमें अपने हेतु से स्व हेतु से प्रकोपित हुआ पित्त वहां पर रुक जाएगा और उनके परमाणु के कारण स्रोतस एक पित्त का परमाणु रुक गया, दूसरा रुक गया, तीसरा रुक गया और जो काठिन्य आएगा और फिर गुल्म निर्माण हो जाएगा, शोथ आएगा, उसको हम इस अवस्था को पित्तज गुल्म कहते हैं। ये संसर्ग है, मैंने बताया अभी कि दोनों स्वतंत्र है पर उनका नाम हमने पित्त गुल्म रखा है। हाँ, वात गुल्म में क्या हो रहा है? पहले वात प्रकोप हो ही रहा है, उस वृक्षादि गुणों के कारण स्रोतस खर है, वृक्ष है और रुकने वाला स्वतंत्र पित्त है। मैंने क्या कहा, संप्राप्ति पूरी नहीं हुई है, वात गुल्म की संप्राप्ति भी हमने पूरी नहीं की है, पूरी करनी है। सवाल मन में रखिए, ये सवाल मन में रखिए, मैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सवाल उनका सवाल समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया, थोड़ा सवाल है, देखते हैं, सूत्र पढ़ेंगे आगे। तो उसी तरीके से उसी पद्धति से लक्षण भी दिए हैं उनके पित्त गुल्म के, वो अभी छोड़ देंगे हम। उसमें वातज गुल्म के भी लक्षण है और पित्तज पित्त के भी लक्षण है, वात के भी है पित्त के भी। सूत्र नंबर देखिए 10, पढ़िए आप सूत्र, पढ़िए इसके पास है। तैरेव तु कर्षणैः कर्षितस्य। मतलब वातगुल्म के जो हेतु है स्वतंत्र वात प्रकोप के, उन हेतुओं से महास्रोतस में वात प्रकोप है, उसके साथ में क्या हो रहा है, पढ़िए। अत्यशनात् अतिस्निग्ध गुरु मधुर शीतशनात् तिष्ठ इक्षु क्षीर तिल माश गुड विकृति सेवना मंदक मध्य अतिपाना हरितक अति प्रणयना अनुप औदक ग्राम्य मांस अतिभक्षणा संधारणा अबुभुक्षस्य अति प्रघाणम उदपाना। भूख लगी है और ऐसे अवस्था में बहुत जल पी रहा है, संशोभनाद्वा शरीरस्य श्लेष्मासह मारुतेन प्रकोपम अपद्यते। कल किसी ने मुझे एक पूछा था
कि ग्रंथ उनका एक अनुमान था, थोड़ा सा विषय होता है फ्रेश माइंड के लिए, थोड़ा सा चेंज टॉपिक चेंज कर, टेंशन बहुत रहता है ना बुलबुल कि सर ऐसा है क्या कि कफ जहां जहां लिखा गया है वो प्राकृत है और श्लेष्मा जहां जहां लिखा है वो विकृत है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, उल्टा है यहाँ पे। अब आपको श्लेष्मा यहाँ पे विकृत है तो ऐसा ग्रंथ में छिलके पदों के छिलके नहीं करने, ये हमारा काम नहीं। यहां पे क्या है, अभी वायु स्वतंत्र है और श्लेष्मा भी स्वतंत्र है, अपने हेतु से प्रकोपित है। तो चार्ट में लिखिए श्लेष्म गुल्म के सामने वायु स्वतंत्र और श्लेष्मा स्वतंत्र। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, तम प्रकोपितम मारुतम आमाशय एकदेश संवर्त्य तान एव वेदना प्रकारान उपजनयति यह उक्ता वातगुल्मे। वातगुल्म के सूत्र नंबर 7 में जो जो लक्षण दिखाई दिए और संप्राप्ति है वो तो होती है, उसके साथ में श्लेष्मा प्रकोपित जो है वो अपने लक्षण भी दिखाई देगा। इसका अभिप्रेत अर्थ है कि अपने हेतुओं से वात प्रकोप होते जो होता है, महाश्रोत वृक्षादि गुणों से युक्त होता है, ऐसे वृक्षादि गुणों से युक्त महाश्रोत में विकृत श्लेष्मा स्वतंत्र प्रकोपित श्लेष्मा उसके परमाणु का संग होता है और शोत उत्पन्न होता है, इस संसर्ग की अवस्था को श्लेष्मज गुल्म कहते हैं। जैसे पित्त गुल्म में देखा हमने कि स्वतंत्र पित्त गुल्म के स्वतंत्र पित्त प्रकोपित ऐसे पित्त के परमाणु रुक्ष गुण युक्त श्रोत महाश्रोत में रुक जाते हैं क्योंकि वहां पे उनका वहन नहीं हो रहा है। जो वात प्रकोप में हमने देखा वही संप्राप्ति, पर रुकने वाला कौन है, स्वतंत्र विकृत पित्त उसके परमाणु, और जो काठिन्य के शोध उत्पन्न होगा उस अवस्था को पित्तज गुल्म कहेंगे। जब स्वतंत्र हेतु से विकृत श्लेष्मा उसके परमाणु जब रुकेंगे तब उसको श्लेष्मज गुल्म कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो लक्षण है, बाद में लक्षण आखिरी में पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 12, त्रिदोष हेतु लिंग सन्निपाते तु सन्निपातिकम गुल्मम उपदिशन्ति कुशलः। सन्निपातिक में क्या हो रहा है, स्वतंत्र वात प्रकोप, स्वतंत्र पित्त प्रकोप, स्वतंत्र श्लेष्मा प्रकोप, ऐसा जब तीनों ही हेतु तीनों ही दोष अपने अपने स्व हेतु से प्रकोपित है तभी उसको सन्निपात कहेंगे। अब क्या हो रहा है, वृक्ष गुण युक्त स्रोत में स्वतंत्र प्रकोपित पित्त के परमाणु और स्वतंत्र प्रकोपित श्लेष्मा के परमाणु दोनों का संग हो रहा है और काठिन्य आ रहा है तब उसको सान्निपातिक गुल्म कहें। ठीक है, यह हमने एक ओहन किया, पर सवाल एक मन में आना चाहिए, तो फिर वात गुल्म में कौन रुकता है, काठिन्य होने के लिए वहां पे कोई तो रुकना चाहिए, कौन रुकता है। ठीक है, ये सवाल अभी मन में रखेंगे, अब जाएंगे चिकित्सा स्थान अध्याय 5 गुल्म चिकित्सा अध्याय। सूत्र नंबर 6-7 पेज नंबर 435 ये संप्राप्ति है यहां पे, इसकी टीका पढ़ेंगे हम, चक्रपाणी की टीका। कफम च पित्तम च इत्यादि ना संप्राप्ति आह इयम च शोणित च गुल्म व्यतिरिक्तानां चतुर्णां संप्राप्ति। आगे तत्र कफम च पित्तम च इति कदाचित पित्तम कदाचित कफम। पाठ्यशेष आगे, यहां से आगे की 3 लाइन पूरे कलर करके रखिए, एक एक शब्द पढ़ेंगे। तत्र कफजे स्वतंत्र वृद्ध कफहा,
कफश में क्या हो रहा है, कफश गुल्मों में क्या हो रहा है, स्वतंत्र वृद्ध कफ पित्तजे स्वहेतु वृद्धम पित्तम, मतलब स्वतंत्र पित्त सन्निपातेच यथोक्त गुणौ पित्त कफौ, मतलब पित्त और कफ स्वतंत्र अपने हेतु से प्रकोपित, इनको क्या करता है, उद्धूय वायु गुल्मं करोति। उद्धूय का अर्थ सुबह सर के व्याख्यान में सर ने बताया कि वहां पे उसका लॉजिंग हो जाता है, उसको वायमान जो है उसका वहां पे लेके जाके बिठाता है, कौन, वायु, स्वतंत्र प्रकोपित वायु, स्वतंत्र प्रकोपित पित्त के परमाणु को उस रुक्षादि गुणों से युक्त हुए महास्रोत के स्थान पे जाके उसका लॉजिंग कर देता है और फिर काठिन्य आता है, उसको पित्त गुल्म कहेंगे। स्वतंत्र प्रकोपित श्लेष्मा के परमाणु को लेके बैठ गया, बिठा दिया और काठिन्य आ गया श्लेष्मज गुल्म, दोनों स्वतंत्र प्रकोपित है, दोनों जाके बैठते हैं, काठिन्य आता है, सन्निपाति गुल्म कहेंगे। आगे की जो पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वात गुल्मे तू, वात गुल्म में क्या होता है, स्वतंत्र प्रकुपिता वायु, वायु कैसा है, हमने लिखा वहां पे चार्ट में वात गुल्म में वायु स्वतंत्र है, वो क्या करता है, प्रकृतिस्थो पित्त कफो, प्राकृत पित्त और श्लेष्मा के परमाणुओं को उद्धूय वहां पे जाके संग कर देता है और काठिन्य आता है, उसको वात गुल्म कहते हैं। और क्योंकि उनको ही तो अवयव है, काठिन्य आने के लिए कोई तो रुकना चाहिए ना, और पित्त श्लेष्मा से अभिप्रेत है उनके आश्रित भी, काठिन्य का अभिप्राय मूर्ति है, मूर्ति थोड़ा एक दो मिनट चरवण करना है, समझ में आ गए। तो आपके चार्ट में सामने लिखिए वातजुल्म के सामने पित्त और श्लेष्मा और प्रकृतिस्थ, दोनों प्रकृतिस्थ, और सन्निपातिक में तीनों स्वतंत्र हो रह गया है, सन्निपातिक में तीनों स्वतंत्र है। ये पंक्तियां जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा व्याकरण की ओर भी ध्यान देना है, वातावरण में हूं प्रकृति स्थो भी होते हैं और कफ पित्त पित्तो है, पित्ते नहीं कफौ पित्त कफौ, पित्त कफौ ये भी द्विवचन है, ये ध्यान रखना है। ऐसे कई जगह पर वर्णन आता है तो वहां पर हमें व्याकरण के आधार पर समझना है, जैसे अर्जित में बाध्यते श्रवण ऐसा है, दोनों बाध्य बाध्य बाध्यते बाध्यते बाध्यन्ते, तो क्रियापद द्विवचन है और कर्म भी द्विवचन है, बाध्यते श्रवण यहाँ पर दोनों काल में बाध्य जाता है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्रियापद से और उस विभक्ति से पद से ये स्पष्ट होता है कि ये दो दोनों कालों की संप्राप्ति है। इस प्रकार इन शब्दों पर भी ध्यान थोड़ा देना है, व्याख्या करते ही है लेकिन करना भूलते भी है तो ध्यान रखना है, स्पष्ट तो एक बार पूरा समुचित अभी तक का करके फिर हम आगे जाएंगे गुल्म के, अभी तक गुल्म खत्म नहीं हुआ। गुल्म मतलब महाश्रोतस में होने वाला प्रादेशिक शोध, चक्रपाणी जी ने प्रादेशिक शोध वो सौदने इसका एक देशीय शोध, तो मुखपाक इसोफेजाइटिस
गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, एपेंडिसाइटिस, रेक्टाइटिस, अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पाइल्स, ये सारे गुल्म में आते हैं। और इसलिए निदान स्थान में जो आठ ही संप्राप्ति बताई गई है उसमें इस सर्वसमावेशक ऐसी गुल्म संप्राप्ति कम रहे, और इसी में से जो विशेष विशेष संप्राप्ति मतलब स्थान विशेष से और हेतु विशेष से अर्श अलग अध्याय चिकित्सा का लिखना, अग्नि की दृष्टि के विशेष से अलग ग्रहणी अध्याय अलग लिखना, ये अलग अलग अध्याय चिकित्सा में कर दिए उनकी विशेषता से, पर ये सारे गुल्म के संप्राप्ति में आते हैं। तो ये एकदेशीय शोथ है, उसमें जब उसमें आवश्यक क्या है, वायु स्वतंत्र प्रकोपित होना आवश्यक। जब वात प्रकोप स्वतंत्र स्व हेतु से वात प्रकोप होता है महासतोष में, इसका मतलब क्या है, वृक्षादि गुणों के हेतु से महासतोष का कोई एक पार्ट वृक्षादि गुणों से युक्त होता है, वहां पे अगर प्रकृतिस्थ पित्त कफ के वाह्यमान धातु घटक प्रकृतिस्थ है वो अगर रुक गए और उसके कारण उनके मूर्ति के कारण काठिन्य आ गया तो उसको हम वात गुल्म कहेंगे। प्रकृत स्वतंत्र प्रकोपित पित्त के परमाणु रुक गए और फिर काठिन्य आ गया तो पित्त गुल्म कहेंगे। स्वतंत्र प्रकोपित श्लेष्मा के परमाणु रुक गए, काठिन्य आ गया, शोथ आ गया, श्लेष्मज गुल्म कहेंगे। और स्वतंत्र प्रकोपित पित्त कफ के दोनों के परमाणु विकृत परमाणु रुक गए, स्वतंत्र होने चाहिए, वो रुक गए और काठिन्य के शोध आ गया तो सान्निपातिक गुल्म है। और यही शायद व्याधि के जो प्रकार किए गए उनका नामकरण किए गए हैं उसकी ये मेथडोलॉजी हो सकती है। वातज रुद्रोग भी हमने देखा, अभी वातोदर भी हमने देखा। वातोदर में क्या हुआ था, स्व हेतु से वात प्रकोपित है, वो कहां प्रकोपित हो रहा है, कुक्षी प्रदेश में, और वहां पे स्वतंत्र श्लेष्मा का प्राकृत श्लेष्मा का परमाणु रुक रहा है और कुक्षी में शोथ उत्पन्न हो रहा है तो उसको वातोदर कहेंगे। शोथ करने के लिए वहां पे जो वृक्षादि गुणों के उत्पन्न स्रोतस हो गया है वहां पे रुकने के लिए किसी को तो मूर्ति होनी चाहिए ना, वो एक तो प्राकृत होंगे या फिर विकृत होंगे। अजून ती परवा झाली, परवा परत एकदा सांगतो, सांगू का हो, आपको एक संज्ञा परसों हमने चर्चा करते वक्त क्षय वृद्धि की चर्चा करते वक्त हमने कुछ सूत्र पढ़े थे और वहां पे मैंने बताया था कि आशय अपकर्ष गति के उदाहरण है। आशय मतलब स्रोतस, अपकर्ष इसका अर्थ है खींच के ले जाना, जो गति है वह स्रोतस में से जो गतिमान दोष है, कर्ष धातु जो है वो हम लेखन एक अर्थ तो है उसका, पर कर्ष धातु ये गतिवाचक है, आकर्षण मतलब जिसको खींच के लेके आ रहे हैं। प्रमेह की संप्राप्ति में ये शब्द दो तीन बार आया है वो हम देखेंगे बाद में। तो आशय अपकर्ष इसका मतलब स्रोतसों में जो गतिमान धातु घटक है तीनों दोषों की, उसको अप मतलब अवरुद्ध करना, इसको कहते हैं आशय अपकर्ष। आशय में लेके जाना ऐसा अर्थ नहीं है अपने स्थान से खींच के दूसरे जगह लेके जाना, ऐसा अर्थ नहीं है। आशय अपकर्ष का अर्थ स्थान संश्रय करना है, संग करना ही है। यह आशय अपकर्ष का उदाहरण है गुल्म। वृद्धवायु स्वस्थानस्थौ पित्तकफौ
वृद्ध वायु है, स्वस्थ हस्त पित्त गर्भ है, शोभ उत्पन्न करता है, ये आशयापकर्षक है। यानी दोष एक साथ भूलते हैं तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो उसका नाम है आशयापकर्षक। उसमें एक क्षीर होता है, एक वृद्ध होता है, एक सम होता है, ऐसे अनेक प्रकार होते हैं। इस प्रकार ये इसमें एक वृद्ध है, दो प्रतस्थ है और तीनों मिलकर वहाँ पर व्याधि किया है, इसका नाम आशयापकर्ष है। आशयापकर्ष में स्वतंत्र व्याधि नहीं है, ये अवस्था है। गुल्म की हमने व्याप्ति देखी थोड़ी, महाश्रुतस में होने वाला कोई भी विकार ये गुल्म है। सिर्फ गोला, वायु का गोला, ये तो विकृति कल्पना थी, हम देखी। मुख से लेके गुद तक पूरे महाश्रुतस में कहीं पे भी शोथ स्वरूप या उत्सेद स्वरूप कोई भी व्याधि उत्पन्न हो रहा है वो गुल्म में आता है। और उसकी व्याप्ति क्या है वो भी हम इस चिकित्सा का जो अध्याय है उसमें से देखेंगे। देखिए सूत्र नंबर 12 और 13। कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण विदाही रुक्ष क्रोध अति मद्यार्क हुताश सेवा अमाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्त मुक्तं ज्वर पिपासा वदनांग राग शूलं महज्जीर्यति भोजने च। खाने के बाद, खाने का जीर्ण होने के बाद शूल महत बढ़ जाता है, जीर्यति खाने पचन के बाद भोजने जीर्यति शूलं महत। हाँ सर, पचन के समय भोजन का पचन होते समय शूल अति मात्रा में बढ़ जाता है। और स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः, और गुल्म कैसा होता है व्रणवत, वहां पे व्रण की उत्पत्ति होती है अंदर महाश्रोतस में। वत ये जो प्रत्यय है व्रणवत, ये वत ये तद्धित प्रत्यय है, इसका अर्थ व्रणयुक्त गुल्म, उस गुल्म में व्रण निर्माण हो जाता है। जैसे पंचभूतात्मकम ऐसा शब्द, ऐसा पद आता है, मतलब जो घटक जिसका वर्णन है वो पंचभूतात्मक है। मतलब क्या है, उसका हर परमाणु पंचभौतिक है। थोड़ा विषयांतर होगा पर बता दूं सर, अष्ट बिंदुवात्मक नहीं तो व्रणवत, इसका अर्थ व्रणयुक्त गुल्म, जो गुल्म की संप्रति हो रही है वहां पे अभी व्रण निर्माण हो जाएगा, तो ये अल्सर है। और आज भी अल्सर के जो लक्षण है उसमें खाने से पहले शूल, खाने के बाद शूल, पचन के बाद, ऐसे अलग अलग दिए। देखिए 11 नंबर के सूत्र में जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम करोति, वातजगुल्म में जीर्णे सती पचन होने के बाद गुल्म बढ़ जाता है, शूल बढ़ जाता है। और यहां पित्तगुल्म में भोजन का परिणमन होते समय शूल अति मात्रा में रहता है, सती है जीर्यति सती, वहां पे जीर्णे सती। बाद में सूत्र 15 स्तैमित्य शीत ज्वर गात्र साद
रुल्लास कास अरुचि गौरवाणी शैत्यम रुग अल्पा कठिन उन्नतत्वम। जो काठिन्य आ गया वो इतना कठिन है कि अभी ऊपर से वो काठिन्य दिखाई दे रहा है, ऊपर से उधर परीक्षण करते समय वो काठिन्य हाथ को लगता है। कठिन उन्नतत्वम, अम्बिलिकल हर्निया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हर्निया, फीमोरल हर्निया, ये भी आते हैं इसमें। उन्नतत्वम कठिन उन्नत, उसमें हमें सिर्फ ये देखना है हेतु के ऊपर से कि ये दोष के दोष का अनुबंध किसका है, और फिर नामकरण या उसके लक्षण के ऊपर से करना आगे कि कफश गुरु में शेषम गुरु में मातु हूं। आगे सूत्र 38, चालीस नंबर का सूत्र। गुरु कठिन संस्थान गूढ़ मांसांतराश्रय अविवरण स्थिर च एव अपक्व गुल्म उच्यते। अब उसमें वो पक्व है अपक्व है इसके लक्षण दिए। उस गुल्म जो स्थान उत्पन्न होता है उसमें अभी पाक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो अपक्व और पक्व इसके अलग अलग लक्षण यहाँ पे दिए हैं। दाह शूल अर्ति संक्षोभ स्वप्न नाश अर्ति ज्वरहि विधेयमानम जानिया गुल्मम तम उपनाहय। ये विधेयमान मतलब पच्यमान गुल्म के लक्षण। विदाह लक्षणे गुल्मे बहि तुंगे समुन्नते शावे रक्त पर्यन्ते संस्पर्शे वस्ति संनिभे। रक्त पर्यन्ते परि अंते इसका मतलब उसकी जो गुल्म की सीमा है वो सरक्त है, लाल रंग की दिखती है शोथ में ऊपर से, और वो विदाह का लक्षण है। विदाह गुल्म मतलब पक्व गुल्म का लक्षण। निपीडत उन्नते स्तब्धे सुप्ते तत् पार्श्व पीड़ना। निपीड़ित उन्नते, अगर हमने उंगली से उसको दबा दिया और छोड़ दिया तो वो फिर से ऊपर आ जाता है शोथ। तत्रैव पिंडिते शूलम संपक्वम गुल्मम आदिशेत। ये पक्व गुल्म है ऐसा समझ लीजिए। तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकार, इसमें बाकी किसी का विचार न करते हुए शल्य कर्म करना है। काय चिकित्सक को यहां पे शल्य तज्ञ के पास पेशेंट रेफर करना चाहिए। चरक कही कि बहुत सारी जगह पे ऐसा कहते हैं कि अभी यहाँ पे मेरी चिकित्सा की सीमा है, यहाँ पे धन्वंतरियाणाम अधिकार की सीमा है। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि उत्तम डॉक्टर कौन है जिसको ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना है, इज द बेस्ट फिजिशियन। हमें कौन सा पेशेंट आगे रेफर करना चाहिए। कल एक कोई तो मेरे पास आए थे कि हर्निया का पेशेंट है मैं क्या करूं, मैंने कहा शस्त्रकर्म कर लो क्योंकि वो शस्त्रकर्म साध्य ही है, उसमें वमन विमन कर मत करते रहो। शस्त्रकर्म के बाद फिर से कहीं ये संपत्ति ना हो, इसलिए फिर से बल प्राप्ति के बाद वो हेतु बन करके दोषों को निकालना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये काय चिकित्सा का काम, ठीक है। तो ये धन्वंतरणाम अधिकार वैद्यानाम कृत योग्यानाम व्यध शुभ, मतलब इसका रीजन इससे क्या पता चला है, चरक को भी शल्य कर्म के बारे में पता, पर वो उनका अधिकारी नहीं था, ही वाज काय चिकित्सा, पर उनको पता था कि इस अवस्था में शल्य कर्म करना। अंतर्भागस्य च अपि एतत् पच्यमानस लक्षणम् हृत् क्रोध शून्यता अंतस्थे बहिस्थे पार्श्व निर्गति, ठीक है। आगे अंतर्गुल्म, अंतर्गुल्म
एकदम सूत्र 169 संचितः क्रमशः गुल्मः महावास्तु परिग्रहः। गुल्म पहले एक जगह उत्पन्न हुआ, अभी उसने धीरे धीरे उसकी व्याप्ति बढ़ाई और महावास्तु परिग्रह फैल गया, उसका विसर्पण हो गया, बड़ी जगह पे वो व्याप्त हो गया। फिर क्या हुआ, कृतमूल उसने अपनी जड़ अभी बनाई, सिरानद्धो इसमें सिरा को भी इन्वॉल्व हो गया, और यदा कुर्म इवो उन्नतः जैसे कुर्म की पृष्ठ होती है उस तरीके से अभी पूरा पेट या पूरा वो कठिन हो गया। और महावास्तु परिग्रह का अर्थ है, आप क्या कहने वाले थे, क्या सब्जेक्ट क्या आप रखने वाले थे, नारायण नारायण कौन सा, नारायण का कौन सा टॉपिक, मेटास्टेसिस, ये मेटास्टेसिस एक जगह हो गया, धीरे धीरे अन्य जगह भी हो गया, ये कैंसर की अवस्था हो सकती है, कैंसर इन जीआई ट्रैक्ट। महावास्तु अनर्थः शिरा अनर्थः परिग्रहः कृतमूला पूर्वैव उन्नतः फर्म कंसिस्टेंसी पल्पेबल, ऐसी ये ग्रंथि है, हो सकती विनय हो, हो सकती कर्षण में करता है, ये इसको भी ग्रंथकार गुल्म कहते हैं, यदि वो पुष्ट में है तो गुल्म की कल्पना ऐसी विस्तृत है। पिछले श्लोक में आपने देखना एब्सेस हुआ है, फ्लक्चुएटिंग है, स्वस्थ हुआ है, पको हुआ है, सत्तम रक्षण करना है, सत्य कर्म करना है, ब्रह्मवर्त चिकित्सा करना है, उसको भी गुल्म कर रहा है, एक केवल गलती बनती उसको भी गुल्म कर रहा है, यानी गुल्म की ऐसी विविध कल्पना है और इसका विस्तार पूरे अध्ययन में उन्होंने किया है। और इसी प्रकार का अब ये जो गुल्म है, त्रिशोथी है, शोध चिकित्सा, शोध चिकित्सा 12 अध्याय, पुनः वाढते थी 83 नंबर सर, त्याच्यात हे सांगू का, छिन्न मुला विधयंते न, ते सांग छिन्न मुला विधयंते न गुलमत, हाँ ते सांगू आधी, मिल गया सूत्र 83 शोथ चिकित्सा अध्याय 83। अदग्ध ईषत परिशेषितश्च, बर ओके 81 से पढ़ेंगे, अंग एक देशेषु, अंग एक देशेषु अनिलादिभिः स्यात् स्वरूपधारी स्फुरणः सिराभिः, स्वरूपधारी ग्रंथि, ग्रंथि आगे ग्रंथि, ग्रंथि महान मांसभवः, मांसभवः मेदोभवः रक्तभवः तु अनर्ति मेदोभवः स्निग्धतमः चलश्च, संशोधिते स्वेदितं अश्मकाष्ठैः सांगुष्ठदण्डैः विलयेत अपक्वम्, अपक्व को विपाट्य च उद्धृत्य भिषक्सकोशं शस्त्रेण दग्ध्वा, भिषक्सकोशं विपाट्य उसको निकालना है, कैसे निकालना है, कैप्सूल के साथ, कोश के साथ, यदि कोश के साथ निकालते नहीं है तो क्या होगा,
दग्धेण शस्त्रेण दग्ध्वा व्रणवत् चिकित्से, उसको कॉटरेशन दग्ध करना है, वशवत निकालना है, दग्ध करना है, उसके अवशेष नष्ट करना है। और यदि अदग्ध, यदि आपने अल्प किया, ईषत परिशेषित, ईषत परिशेषित आधा ही निकाल, उसको थोड़ा सा काटा, थोड़ा सा बच गया, तो क्या होगा? प्रयाति भूयोपि शनिर्विवृद्धि, प्रयाति वृद्धि फिर बढ़ जाती। तस्मात् अशेषः कुशलैः समन्तात् छेद्यो भवे, समन्तात् छेद करना है, उसका सकुश करना, पूरा निकालना है। आगे भवेत् वीक्ष्य शरीर देशान् शेषे कृते, यदि शेष रहता है तो पाकवशेन शिर्या, तो उसका उसके टुकड़े टुकड़े निकलते हैं, पीसेस निकलते हैं, छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो, और तथा चतुर्थ प्रसरित विसर्प, चतुर्थ वो जो शरीर में होते हैं वो पूरे शरीर में फैलते हैं और फिर शोध करते हैं। ये मालूम किसका है? ये करते हैं तो बेटर फिस्ट होने की संभावना होती है, उससे कसता है तो फैलता रहता है, इसलिए इसके बाद भी फैलता है, इसलिए उसको जहाँ तक हो सके शस्त्र नहीं लगाते हैं, यहाँ तक प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का कोष्ठ में होगा तो उसको भी गुणवत्ति जाएंगे, ये गुणवत्ति आती है। विधयती न गुल्म चिकित्सा अध्याय में सूत्र नंबर 36-37 तृष्णा पेज नंबर 437 तृष्णा ज्वर परिदाह शूल स्वेद अग्निमार्दवे गुल्मीनाम अरुचौ चापि रक्तम एव अवसेचे, ऐसी अवस्था निर्माण हो तो तुरंत रक्तमोक्षण करना है, रक्तमोक्षण जलों का लगाकर करना है, या तो फिर अन्य पद्धति से करना है। छिन्न मूला यदि उनको आप रक्तमोक्षण कर दिया तो आगे की प्रक्रिया बंद है, प्रारंभ हुआ है, आप रक्तमोक्षण कर दो, रक्तमोक्षण करते हैं तो आगे की प्रक्रिया यानी पच्यमानावस्था और कपावस्था ये आती ही नहीं, तब फिर आप चिकित्सा प्रारंभ कर सकते हैं उसके बाद। इसलिए समय पर रक्तमोक्षण पित्त गुण में योग्य होता है, साक्षात जलों का लगाकर भी आप कर सकते हो। ये गुणमाध्यम में लिखते हैं, देखिए तो गुण की कल्पना कितनी भिन्न हो गई आपकी, वही एक है नाम मात्र गुण हो गया, लेकिन गुणमो कैसे है, गुण भी है, गुणाशोध भी है, ग्रंथि भी है, कठिन ग्रंथि भी है, सब गुण है। यानी हमारी जन्म की कल्पना क्या थी पता नहीं, हमारे को तो समझ में नहीं आता, वो भी करके छोड़ देते थे, हमारे को बनाया करते थे, पढ़ाते थे न लिखते थे परीक्षा में, लेकिन जब ये पढ़ा तो गुरु की कल्पना ग्रंथन करता थी, केवल शोध मात्र की थी, और इस शोध धीरे धीरे प्रकार का हो सकता है, तो उन सब का समावेश कोष्ठ में यदि होता है तो उसको गुरु कहते हैं। इतना अब ये सब ग्रंथ इतना लिखता है, ये बिना लिखे लिखना होगा, अग्निवेश ने इतना लिखा है, कल्पना से लिखा होगा, इमेजिनरी नहीं संभव नहीं, ये सब देखने के बाद लिखे हैं, इसलिए ये प्रत्यक्षाधारित ग्रंथ है, इस बात को ना बोलो। इसी अध्याय में एक बहुत महत्व का संदर्भ है, वो संदर्भ के देखने के बाद हम ये विषय यहाँ पे खत्म कर देंगे। गुल्म चिकित्सा अध्याय 5 में सूत्र नंबर 136 पेज नंबर 442 शम प्रकोपो
दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संश्रितौ, दोषों का प्रकोप और शम ये दोनों ही अग्नि के संश्रित हैं। ये जानबूझ के कल दोष प्रकोप के वक्त हमने नहीं बताया ये सूत्र, क्योंकि अग्नि अभी बाकी है और मैं सर वो टॉपिक लेने वाले हैं अग्नि, और दोष प्रकोप के लिए अग्नि की विकृति भी आवश्यक है। तस्मात् अग्निम सदा रक्षे, इसलिए अग्नि का सदैव रक्षण करना चाहिए। निदानानी च वर्जय, हेतु त्याग करके अग्नि का सदैव रक्षण करना चाहिए ताकि दोष प्रकोप ना। यह सूत्र गुल्म में आया, इसको अधोरेखांकित करके रखिए। इसका विस्तार